आपके पूज्य पिताश्री आपके गुरु भी हैं जैसा कि मुझे जानकारी हुई, और वह एक बहुत प्रसिद्ध कथावाचक हैं। लगभग 4 दशक से वो कथा क्षेत्र में हैं और काफ़ी प्रसिद्धि है उनकी। अक्सर एक सवाल चर्चाएं होती रहती हैं कि आपको जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, आपके पूज्य पिताजी से प्राप्त हुआ है, आपके पिताजी के जरिए, या यूं कहें कि आपको विरासत में भागवत मिला है। बहुत लोगों को विरासत में जमीन जायदाद बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन आपको विरासत में भागवत मिला है, आपको एक पूरा सिस्टम, एक पूरा मैनेजमेंट, पूरा प्रोटोकॉल, सब कुछ बना हुआ मिल गया है। एक कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो एक व्यक्ति को जो स्ट्रगल देखना चाहिए, जो संघर्ष देखना चाहिए, और जो व्यक्ति स्ट्रगल करके आगे बढ़ता है, आपको कुछ करना नहीं पड़ा है, सब कुछ पिताजी ने बना बना के दे दिया। आपके कथाओं में भी आपके साथ से आपका ध्यान रखने के लिए, आपका कार्य करने के लिए, आपके ट्रस्टों का सारा मैनेजमेंट संभालने के लिए आपके ही इर्द गिर्द आपके लोग हैं। आप जन्म लिए और आगे बढ़ रहे हैं, तब से सारी चीज़ें बनी बनाई मिल गई हैं, सब कुछ एक सेटअप है। इस चीज़ को कितना सही मानते हैं, क्या ये पूरी तरीके से सही है या आपका भी अपना एक संघर्ष है? मेरा बिल्कुल सत्य है कि मैं I'm enjoying my life. I'm not doing anything and I'm just sitting and doing Srimad Bhagavat Katha. और मैं बहुत enjoy करता हूँ, और ये मैं अपने पूर्व जन्म का प्रारब्ध, पूर्व जन्म का अपना की हुई तपस्या भोग रहा हूँ कि मुझे सब कुछ बना बनाया मिला। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात आती है कि संघर्ष, मैं अपने गुरुदेव से कभी कभी ऐसा कहा करता था कि जो मुझे अध्ययन कराते थे कि गुरुजी, लोग सोचते होंगे कि इसने तो कुछ किया नहीं, सब इसको मिल गया। तो ऐसी सिचुएशन में मैं अपने गुरुजी से पूछा करता था कि मैं संघर्ष कर पाऊंगा क्या, या मैं संघर्ष देखूंगा कि मुझे सब अपने आप ही ऐसे मिलता रहेगा। तो मेरे गुरुजी ने बहुत अच्छी बात कही कि पिता के द्वारा कमाई गई संपत्ति, बनाई गई संपत्ति को संभालना, सवारना, उसको सजोना, ये भी एक संघर्ष है कि आपको एक संपत्ति मिल गई, अब आप उसका निर्वहन कैसे कर रहे हो, उसको संभाल कैसे रहे हो, वो भी एक संघर्ष है। श्री वेदव्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की, लेकिन वो रचना प्रसारित और प्रचारित किसने की? श्री शुकाचार्य जी ने, उनके पुत्र ने। लोग यहाँ पर भी प्रश्न कर सकते हैं कि भागवत जी लिख तो वेदव्यास जी ने दी थी, परीक्षित जी को तो मेहनत करनी, सुखदेव जी को तो मेहनत करनी नहीं पड़ी, वहां पर भी प्रश्न उठ सकता है। लेकिन ठीक है, रचना वेदव्यास जी ने कर दी, लेकिन उस श्रीमद् भागवत को प्राप्त करके अपने पिता की संपत्ति के रूप में शुकाचार्य जी ने उसका प्रचार प्रसार कितना किया। यहाँ एक पुत्र धर्म निर्वहन हुआ है और वहां उन्होंने संघर्ष भी किया है। मेरा संघर्ष उतना ही है कि मैं अपने पिता के द्वारा बनाए गए भागवत जगत को और विस्तृत करूं, मेरा संघर्ष वही है। कि वैसे मैं इस बात में, मुझे भी लगता है कि नहीं, अगर आप अपने पिता के द्वारा प्रदान की गई चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें आगे बढ़ रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। इसमें कुछ या नहीं, अपना अपना परसेप्शन है, हम इसे कैसे देखते हैं, कैसे मानते हैं, ये व्यक्ति का अपना, कोई भी हम या आप कोई भी ये तय करके नहीं आते कि कौन किस जगह जन्म लेगा, कहाँ जन्म लेगा, किसके घर में लेगा, अच्छी जगह लेगा, गरीबी मिलेगा, मिलेगा, वो ईश्वर निर्धारित करते हैं। हाँ, यह है कि आप उस पिता के द्वारा दी गई चीज़ों को आप कितना आगे बढ़ाते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है।